दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू नदी के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में काफी सारी जानवर रहते थे जो प्यास लगने पर नदी में आकर पानी पीते थे। नदी के दूसरे किनारे पर एक और छोटा सा जंगल था जहां बहुत कम जानवर थी। एक दिन बड़ी जंगल का छोटा खरगोश सरयू नदी के पास आकर पानी पी रहा होता है। तभी नदी के दूसरी ओर खड़ा एक बाघ उसे देख रहा होता है। यह खरगोश आज मेरा भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचा भी नहीं है। क्यों न मैं नदी के उस पार वाले जंगल में जाकर शिकार करूं? और वैसे भी वह जंगल बहुत बड़ा है और वहां का शेर भी मूर्ख और शाकाहारी है। पता नहीं ऐसे शेर मर क्यों नहीं जाते। बाघ खरगोश को देखकर शिकार करने की सोचता है और शिकार करने की लालच में नदी के दूसरी ओर चला जाता है। अपनी ओर बाघ को आता देख खरगोश वहां से भागने लगता है, पर तभी बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे खरगोश, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? तसल्ली से पानी पी लो भाई, मैं तो बस तुमसे बात करने आ रहा था। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जंगल का शेर सिंह के बारे में बात करना है। मैंने सुना है कि वह तुम्हारा बहुत चिंता करता रहता है। खरगोश समझ चुका था कि बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए खरगोश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तुरंत वहां से भागने लगता है। परंतु खरगोश बाघ से तेज नहीं भाग पाता और बाघ उसका शिकार कर लेता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं, तो क्यों न मैं इसी जंगल में रहकर आसानी से शिकार किया करूँ। बाघ अभी इसी जंगल में रहकर ही शिकार करता रहता है। इस तरह से जंगल में जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन, अरे लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम अपनी सहेली से मिलने के लिए दूसरे जंगल में जा रही हो। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखो लोमड़ी, तुमने सांप के अंडे के साथ जो हरकत की थी, जिसके लिए तुम्हें शेर सिंह ने सजा दी थी, इसके लिए तुम जंगल से भाग नहीं सकती। लेकिन मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं तो अपनी सहेली से मिलने उस जंगल में जा रही हूँ। पर मुझे शक है कि तुम मौके देखकर भाग भी सकती हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। देखो भैया, मैं शेर सिंह की हुक्म का पालन कर रही हूँ, लेकिन तुम अपना ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हो। क्यों, तुमको क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा हूँ? दरअसल इस वक्त तुम्हें जंगल में हमारी जानवर पर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जंगल की जानवर कम हो रहे हैं। सुना है जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लोमड़ी, तू चालाक है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ, ये तू जान ले। मैं तेरे बातों में नहीं आने वाला। याद रखना, अगर आज तुम मेरे बातों पर यकीन नहीं करोगे तो तुम भी किसी दिन कोई शिकारी जानवर का शिकार बन जाओगे। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम्हें उस जंगल के थाने में जाकर रोज हाजिरी देनी होगी, मुझे मंजूर है। लोमड़ी को पता था कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं, इसीलिए वह हाथी की शर्त मानकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हाथी जंगल की निगरानी करने लगता है। तब दिखता है कि जंगल से कुछ खरगोश गायब है। इस चिंता में कई खरगोश आपस में बात भी कर रहे होते। देखो भाइयों, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि जंगल से खरगोश गायब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बात का फरियाद हमें शेर सिंह को करनी चाहिए। तभी खरगोश की बात सुनकर हाथी उनके पास आता है। क्या हुआ है भाई, तुम सब आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो, मुझे भी बताओ। हाथी भैया, तुम शेर सिंह के सेनापति हो, क्या तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा ड्यूटी है, बताओ तुम्हारी क्या शिकायत है। हाथी भैया, कुछ दिन से हमारे कई साथी गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपनी जंगल की फिक्र है तो हमारी साथी खरगोश को ढूंढ के लेके आइए।
क्या तुम्हें किसी पे शक है? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो खरगोश गायब हुए हैं, वह सब पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस नहीं आए हैं। और वह लोग गायब कितने दिन से हो रहे हैं? पिछले कई दिन से एक एक करके खरगोश गायब हो रहे हैं हाथी भैया। खरगोश की बात सुनकर अब हाथी को भी लोमड़ी की बात पर यकीन हो जाता है। लोमड़ी भी यही कह रही थी कि जंगल में कोई शिकारी आया है। हाथी वहां सोच ही रहा होता है कि तभी वहां दो बकरी आती है। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? अरे बकरियां, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? हाथी भैया, अच्छा ही हुआ जो आप हमें यहीं मिल गए। हम शेर सिंह के पास शिकायत करने जा रही थी। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ आखिर तुम लोगों का क्या तकलीफ है? हाथी भैया, कुछ दिन पहले कुछ खरगोश जंगल से गायब हुए थे और अब बकरियां भी गायब हो रहे हैं। लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस आया। पूरा जंगल इसी बात से परेशान था कि आखिर उनका शिकार कर कौन रहा है। अब वह सभी मीटिंग के लिए शेर सिंह के पास जाते हैं और सारी बातें शेर सिंह को बताते हैं, जिस पर शेर सिंह अपनी जंगल की जानवरों से कहता है, आप सब फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि यह काम किसका है और कौन हमारे जंगल का जानवरों का शिकार कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे शेर सिंह? आप लोगों से हमारी यह विनती है कि आप लोग जंगल से बाहर नहीं जाएंगे। जिसको भी पानी पीना है वह इसी जंगल का तालाब का पानी पिएगा। महाराज, आपका ये हुक्म हमें कब तक पालन करना होगा? एक बार बस मैं उस शिकारी को पकड़ लूं, उसके बाद आप लोग जंगल से बाहर जाकर भी पानी पी सकते हो। सभी जानवर शेर सिंह की बात मान जाता है और जंगल से बाहर जाना बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाती है और जंगल से कोई भी जानवर गायब नहीं होता। उधर शिकार नहीं मिलने पर अब बाघ परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया था। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जानवर हैं, तो फिर यह कमबख्त जानवर पानी पीने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? 2 दिन से मैंने कोई शिकार नहीं किया, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। लगता है अब शिकार करने के लिए नदी का किनारा छोड़ जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं इस जंगल में सभी जानवर आखिर गायब कहाँ हो गए हैं। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचते हैं इस जंगल के जानवर। इतना बोलकर बाघ छुपकर जंगल के अंदर घुस जाता, जहां वह देखता है एक बकरी घास खा रही होती है। उस बकरी को घास खाता देख बाघ पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर अपने साथ जंगल से बाहर ले जाता है। ये सब एक दूसरी बकरी देखती रहती है। अच्छा, तो ये बात है, अभी मैं जाकर शेर सिंह को बताती हूँ। फिर बकरी सभी जानवरों को इकट्ठा करके शेर सिंह के पास पहुंचती है। महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल का बाघ घुस आया है और वही हमारे जंगल में शिकार कर रहा है। महाराज, वह बहुत तेज और बहुत दुष्ट शिकारी है। उसने हमारे सामने ही हमारे साथी को मार डाला, जो मैंने अपने आंखों से देख के आया हूँ। महाराज, अब आप कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हमारे प्रजाति खत्म हो जाएंगी। महाराज, अब कुछ करना ही पड़ेगा। अब आप कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएंगी। हाँ महाराज, अब कुछ करना ही पड़ेगा। सबकी बात सुनकर शेर थोड़ी देर सोचकर बोला, लोमड़ी कहाँ है? महाराज, वो नदी के उस पार वाले जंगल में गई है। शेर सिंह लोमड़ी के मदद से बाघ को पकड़ने का मन ही मन प्लान करके बोला, देखो इस जंगल का जानवरों का रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है और मैं आप लोगों की रक्षा जरूर करूंगा। बस आप सबको मेरा साथ देना होगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप सबको करना होगा। हाँ, हम सब तैयार हैं महाराज। तो सुनो, आप लोगों में से कोई भी उस नदी के किनारे नहीं जाएगा और जब वह शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तब वह जंगल के अंदर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। और वो जब जंगल के अंदर आ जाएगा तब मैं जंगल की किसी एक जानवर को उसके सामने भेजूंगा। फिर जैसे ही वह मेरे भेजे हुए जानवर का शिकार करने जाएगा, हम सब उस पर हमला बोल देंगे। मतलब हम में से किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी होगी महाराज।
हाँ, मगर मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा महाराज, वह तुम्हें कल पता चल जाएगा। शेर सिंह अपने गुप्तचरों द्वारा लोमड़ी को संदेश भिजवाकर उसे वापस बुलाता है। आपने मुझे इतनी रात में यहाँ क्यों बुलाया महाराज? लोमड़ी, मैं तुम्हारी सजा माफ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सजा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक है तो सुनो। लोमड़ी की हाँ करती ही शेर सिंह ने बाघ को पकड़ने का प्लान उसे बता दिया। महाराज, जब बाघ मेरा शिकार करने आएगा तब आप मुझे टाइम पर आकर बचा तो लेंगे ना? मैं शेर हूँ, कोई नेता नहीं, जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन प्लान के अनुसार लोमड़ी नदी के किनारे जाता है। शिकार को आता देखकर बाघ खुश हो जाता है। वाह, आज मुझे पेट भरकर खाना मिलेगा। शिकार के नजदीक आते ही मैं उसे मार दूंगा। लोमड़ी डरते डरते नदी के किनारे पहुंच जाता है। हे भगवान, टाइम पर शेर सिंह को भेज देना। कैसी हो लोमड़ी? मैं ठीक हूं बाघ भाई, अभी तो तुम ठीक हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक नहीं रहोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अभी भूखा हूं, और जब मैं भूखा होता हूं तो किसी का भी शिकार कर लेता हूं। इतना बोलकर जैसे ही बाघ लोमड़ी की तरफ जाता है वो शेर सिंह के जाल में फंस जाता है और वहां सारी जानवर आ जाता है। बाघ, तू शिकार के लालच में मेरे चंगुल में फंस गया है, अब तेरी कहानी खत्म। तुमने मुझे धोखा दिया शेर सिंह, जैसी करनी वैसी भरनी, मुहावरा तो तूने सुना ही होगा। बाघ, तू सबको धोखे से मारता था, इसीलिए मुझे तुम्हें भी धोखे से मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। तूने हमारे जनता पर अत्याचार किया है, अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। साथियों, अपना बदला ले लो। शेर सिंह की आज्ञा मिलते ही सारे जानवर उस बाघ पर टूट पड़ता है। इस तरह से शेर सिंह अपने चालाकी और सूझबूझ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धोखे का अंजाम धोखा ही होता है, जैसी करनी वैसी भर। बहुत साल पहले की बात है, लक्ष्मीपुर के जंगल में एक पुरानी झील थी। वहां दिन में तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वह झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता, वह जिंदा वापस नहीं आता। कहा जाता, आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल की राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। अरे बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था, किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए कोई जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ मैं तुम्हें पूरी जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ, जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं, वहां के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वह दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहां रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वह उसी खूनी झील के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, कितने सुंदर झील है। जी तो करता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, लेकिन सर्दी होने का डर है। चलो आज सिर्फ ठंडा ठंडा पानी से अपना प्यास ही बुझा लेते हैं।
अरे बंदर भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कहां से आ रहे हो? झील में पानी पीने गया था और जिंदा वापस आ गए। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वह इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहां जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता कि वह कहां गायब हो जाती है। इसीलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे राजा का आदेश भी है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे पता नहीं? तुम्हें वह खरगोश भाई ने बताया नहीं? लो, खरगोश भाई भी आ गया। अरे खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया। इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने तो सोचा ये तो पेड़ पर रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम। अभी अभी इन्हें खूनी झील की खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए। वरना खूनी झील की खूनी, क्या तुमने उसे देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाते ही नहीं और दिन में कोई घटना नहीं होती। और यह बात वह जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, लेकिन हम लोगों तो कभी आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो और शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वह मगरमच्छ झील में छुपा रहता है, शाम होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और आप लोग समझते हैं कि यह झील ही खूनी है, जबकि खूनी यह झील नहीं, इसमें छिपा हुआ मगरमच्छ है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। वही तो बंदर भाई, हमें अगर पहले पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम अपने जंगल में आपको रहने की कभी जगह नहीं देते। अरे यार, आप लोग मेरे बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों का भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो क्या तुम उस मगरमच्छ को हमें दिखा सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ जाकर पेड़ और पत्थरों के बीच छुप जाना। और फिर शाम को वह सभी उस खूनी झील के पास जाकर छिप जाते हैं। झील के किनारे जाकर बंदर 2-3 बड़े बड़े पत्थर उस झील के पानी में फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपाक छपाक की आवाज सुनकर मगरमच्छ पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वह सावधान हो जाता है और सोचता है, अच्छा तो यह लोग मुझे चुप कर देखने आए हैं, अब मैं क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ है, इन्हें फिर से बेवकूफ बनाते हैं, मैं फिर से पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो हमें हमेशा रात में दिखाई देता है। हाँ वही तो, ये पत्थर सिर्फ रात को क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता, कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वह पत्थर ऊपर हो जाता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना कि वह बड़ा पत्थर, कि वह बड़ा ही मजबूत पत्थर है? अगर यह खुद ही बता दे कि यह एक मजबूत पत्थर है तो मैं भी मान जाऊंगा और अभी गुलाटी मारते हुए झील में छलांग लगा दूंगा और तैरता हुआ इस तरफ से उस तरफ चला जाऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। लगता है आज बंदर का नरम नरम मांस खाने का मौका मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ है, आज तक मुझे
पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप लोगों को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा की गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर सही कह रहा था, यह मगरमच्छ जरूर कहीं दूसरे जगह से हमारे जंगल में आ गया है। लेकिन अब क्या करे, अगर धरती पर होता तो मैं उसे धूल चटा देता था, लेकिन पानी में हमारा शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा महाराज? मेरे ख्याल से तो नहीं। मिलेगा महाराज, ये पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर वह कुछ कर नहीं पाएगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है हाथी भाई, बस आप लोग मुझे दो बड़े बड़े रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाखाना में था तो एक एक तरीका सीखा है जानवरों पर कब्जा करने की। हम इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को दो बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। फिर बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उस खूनी झील पर पहुंचता है। कल तक तो यह बंदर मुझे देखकर भागता था और आज पानी पीने आया है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे ये तो भाग भी नहीं पा रहा है। अब यह जितना ज्यादा फरफराएगा उतना यह फंदा कसता जाएगा, और चुपचाप रहेगा तो फंदा ढीला रहेगा। जैसे यह फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना यह इससे छूट सकता है और ना पानी में जा सकता है। अरे वाह, फिर तो यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हम सारे जानवर इस झील में कभी भी पानी पी सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। अब यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वाह बंदर भाई, मान गए, आपने तो हमारी समस्या ही खत्म कर दी। वरना रात भर हमें प्यासी रहना पड़ता था कि हमें झील में पानी पीने गया और झील ने हमें खा लिया। तो आज हमें एक बात समझ में आई है कि किसी भी अफवाह के चक्कर में हमें अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वह खोजना चाहिए। क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है।